राखी की थाली में रखें ये सात चीजें। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन आने ही वाला है और रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाइयों को सजाती हैं, उनको डोरी बांधती हैं, उनको राखियां बांधती हैं और ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो राखी की थाली सजाते हैं या राखी तैयार करते हैं या थाली तैयार करते हैं, उनमें साथ क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। राखी यानी कि वो त्योहार जिसका सभी बहनें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। भाई इंतजार करे भी क्यों ना करे, आखिर राखी के दिन भाई उन पर प्रेम लुटाते हैं, उन्हें स्नेह करते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। ये तोहफे वाली चीज राखी में सबसे खूबसूरत होती है। जब जब भाई अपने लिए इतना कर रहा है, आपको तोहफे दे रहा है, आप पर प्यार लुटा रहा है, आपको रक्षा का वचन दे रहा है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने राखी की थाली को बेहद खूबसूरत सजाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सजाएं कि आपके भाई का सौभाग्य दो गुना हो जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी राखी की थाली कैसे सजानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुमकुम की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको अपनी थाली में सात चीजें रखनी चाहिए। इन सात चीजों में सबसे पहली है कुमकुम। कहते हैं कि कुमकुम मान सम्मान का प्रतीक होता है। जब आप राखी बांधने से पहले अपने भाई के माथे पर कुमकुम लगाती हैं या कुमकुम करती हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे मान सम्मान दे रही हैं और ये दुआ कर रही हैं कि समाज में आपके भाई का मान सम्मान हमेशा हमेशा बना रहे। इसके साथ साथ कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। चावल। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम के बाद आपको थाली में चावल रखना है। जी हाँ, जिसे कुमकुम के ऊपर लगाया जाता है। चावल शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और शुक्र ग्रह ही वो ग्रह है जिसे जीवन में भौतिक सुख बने रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा है राखी। तीसरी चीज है रक्षा सूत्र यानी कि राखी। राखी बांधने से आप ये कामना करती हैं कि आपके भाई की वो सूत्र हमेशा रक्षा करे, आपके भाई पर कोई भी आफत कोई भी विपदा ना आए। मिठाई। चौथी चीज जो आती है, जो आपको अपनी थाली में रखनी है, वो है मिठाई। राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाकर आप अपने बीच की रिश्ते की कड़वाहट को खत्म कर सकते हैं और ये कामना करती है कि भाई बहन का स्नेह हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। दीपक। इसके बाद पांचवी चीज आती है दीपक। जी हाँ, दीपक जलाकर मिठाई खिलाने के बाद भाई की आरती की जाती है। इससे भाई के आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका विनाश होता है। कहते हैं कि जब आप दीपक जलाती हैं तो उस दीपक की अग्नि से आपके भाई के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके भाई के आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके भाई पर लगी बुरी नजर तक उतर जाती है। कलश। इसके बाद आता है कलश। आपको बता दें कि आपको अपनी थाली में कलश भी रखना चाहिए। माना जाता है कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप इस कलश में गंगा जल रखिए और उसी गंगा जल से कुमकुम तैयार करें और अपने भी के माथे पर यानी कि भाई के माथे पर इसको लगाएं। नारियल। और सातवीं चीज आखिरी चीज है नारियल। जी हाँ दोस्तों, थाली में आपको नारियल रखना चाहिए और नारियल को राखी बांधने से पहले भाई को दिया जाता है। जी हाँ, सबसे पहले कुमकुम लगाया जाता है, उसके बाद कुमकुम पर चावल लगाया जाता है और फिर भाई को नारियल दिया जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी का फल। अगर आप अपने भाई को नारियल के साथ साथ आशीर्वाद देती हैं तो आपके भाई के जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इसके बाद आपको राखी बांधनी है, मिठाई खिलानी है, भाई की आरती उतारनी है। दोस्तों, मैं दुआ करती हूँ, ईश्वर से कामना करती हूँ, जो भी बहन मेरे ये वीडियो को देख रही हैं और रक्षाबंधन का इंतजार कर रही हैं,
भगवान उनके भाई को लंबी उम्र दे। दोस्तों, मैं आपको फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।